अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म कहते हैं आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने का मौका ज़ाया किया। इम्पोर्टेड हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय अवाम पर बोझ डाल रही है। इमरान खान कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 99 रुपये इजाफा हुआ, अवाम हमारे एहतजाज में शिरकत करे। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमें खुशी है कि दो मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इतफाक राय हुआ है। कोरोना में इजाफे को ना रोका गया तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे, वज़ीर आला सिंह कहते हैं सूरत हाल खतरनाक नहीं लेकिन तश्वीशनाक जरूर है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा, नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। दी गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गईं। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर राब्ता कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल और गैस महंगी दामों खरीदने पर ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च हो जाता है, हम कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क भर में जारी लोड शेडिंग से मुतालिक इस्लामाबाद में मुनक़िदा इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हमने पावर प्लांट्स की मरम्मत करके उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाया जबकि साबिक हुकूमत ने उनकी मुरम्मत के हवाले से कुछ न किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने का मौका ज़ाया किया जबकि हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन पर पेशरफ और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने ऑरेंज लाइन मेट्रो बस के अतराफ लैंड स्केपिंग मुकम्मल करने की हिदायत दी और कहा कि 7 दिन के अंदर लैंड स्केपिंग का काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही उन्होंने मेट्रो बस के किरायों को कम करके आवाम को सहूलत देने की भी हिदायत दी। इजलास के 12 कहो बाईपास मंसूबे पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मंसूबे की तामीर के दौरान जंगलात के तहफ़ और मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने 12 कहो बाईपास पर भी काम तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत दी और कहा कि मंसूबे में शफाफ तरीके से बिडिंग का अमल यकीनी बनाया जाए। इजलास को मजीद बताया गया कि रावल चौक फ्लाईओवर वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर 31 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की बहाली और इसे वसी करने के मंसूबे का आगाज भी जल्द कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को 1100 बिलियन रुपये का NRO 2 दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। PTI चेयरमैन इमरान खान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय अमरीका की हुकूमत तब्दील करने की साजिश के नतीजे में इक्तदार में आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। इमरान खान का मजीद कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को 1100 बिलियन रुपये का NRO 2 दे दिया। मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 99 रुपये, डीजल की कीमत में 133 रुपये इजाफा हुआ, अवाम इसके खिलाफ कल हमारे एहतजाज में शिरकत करें।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस के अलावा बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि पंजाब हुकूमत तैयार है कि पंजाब असम्बली में दोबारा इंतखाबात ज़िमनी इलेक्शन के 3-4 रोज़ बाद होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब और हमजा शहबाज से मशावरत हुई है। 17 जुलाई तक हमजा शहबाज वजीर आला रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें खुशी है कि दो मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इत्तेफाक़ी राय हुआ है। अल्लाह के शुक्र गुजार हैं कि किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तेफाक हुआ है। ये दोनों जानिब की कामयाबी है। इसी दौरान PTI के वकील बाबर ऐवान ने अदालत को आगाह करते हुए बताया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से राबता हुआ है। उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला तस्लीम कर लिया है। IG चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इख़लाक मौजूद है। इस पर बाबा रहमान ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन के वाले से तहफ़ुज़ात है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के वजीर आला के इंतखाब में मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार किए बगैर वोटों की दोबारा गिनती का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान देखा गया है, जिसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बसूर दीगर कुछ सख्त फैसले लेने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान देखा गया है, जिसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर कुछ सख्त फैसले लेने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये बात उन्होंने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला हाउस में इजलास तलब कर रखा था। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 17 जून को सूबे में सिर्फ 38 केसेस थे, जिनका तशखीसी तनासुब 3.6% था, और अगले रोज 18 जून को केसेस की तादाद बढ़कर 122 हो गई। इसमें 30 जून तक रिपोर्ट होने वाले केसेस 377, 531 और 465 से बढ़ते चले गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते 24 तक 30 जून के आदादोशुमार के मुताबिक कराची में 30 जून को सबसे ज्यादा 19.76% केसेस, 29 जून को 19.09, 28 जून को 19.24, 27 जून को 9.21, 26 जून को 22.65, 25 जून को 21.71 और 24 जून को 19.65% केसेस का तनासुब है। इस पर वजीर आला सिंध ने कहा कि मस्कूरा हफ्ते के दौरान कराची में केसेस की शरह में 19 से 21% के दरमियान इजाफा हुआ, जबकि हैदराबाद में केसेस के रुझान में कमी देखी गई। कराची में कोरोना केसेस की हफ्तावार औसत 17.47, हैदराबाद में 1.01 और सूबे के बाकी हिस्सों में 1.05% रिकॉर्ड की गई है। इस तरह मस्कूरा हफ्ते के दौरान सूबाई औसत तनासुब 7.66% रहा। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में 14.85 रुपये फ़ी लीटर से 18.68 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये से ज़ायद का बड़ा इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14.85 रुपये फ़ी लीटर से 18.68 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया कि पेट्रोल पर 14.85 रुपये, हाई स्पीड डीजल 13.23 रुपये फ़ी लीटर महंगा किया गया है। वज़ारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोल की कीमत 233.89 रुपये से बढ़ाकर 248.74 रुपये फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 263.31 रुपये से बढ़ाकर 276.54 रुपये फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत 211.43 रुपये से बढ़ाकर 230.26 रुपये फ़ी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 207.47 रुपये से बढ़ाकर 226.15 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।